हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपकमिंग मूवी के बारे में। मूवी आ चुकी है, अपकमिंग नहीं बट जिसके लिए लोगों ने वेट किया है। उसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। तो मूवी कैसी है उसको एक वर्ड में बताऊं तो अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले से ही धारणा बना ली थी कि ये थोड़ी ना बेकार होने वाली है। मतलब ठीक है, कहीं मैंने पढ़ लिया वैसे, बट सरप्राइज करती है मूवी मेरे को पर्सनली। कि मतलब मैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी सोच रही थी, बट ऐसा नहीं है, ट्विस्ट हैं थोड़े बहुत। और अगर नॉर्मल ऑडियंस हो तो तुम्हें लूप होल से बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो तुम जाकर देखो, तुम्हें मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ जो ज़्यादा बहुत सोचता नहीं है कि अरे ये ऐसे कैसे हुआ, ये वैसे कैसे हुआ, सिर्फ मूवी को मूवी की तरह देखता है ना, बिल्कुल उसमें कमियाँ निकाल हुआ ऐसा वाला होता। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ऋषि और रानी की प्रेम कहानी ज्यादा चली है, उसके आगे कंटिन्यू हो रही है और वो छुप छुपा के मिल रहे हैं लोगों की नज़रों से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। और फिर तुम्हें पता है कि ऋषि ने क्या कांड कर रखा है, अपने भाई को मार रखा है, इसलिए लड़की ने भाई को मरवाया, भाई ने लड़की को मरवाया। तो जिमी शेरगिल का कैरेक्टर एंट्री लेता है एज अ चाचा, जो कि प्रीवियस मूवी में जो कैरेक्टर मरा था उसका, हर्षवर्धन का कैरेक्टर, उसका चाचा इस मूवी में रिटर्न कर रहा है ताकि वो अपने भतीजे का बदला ले सके। तो मैं इस रिव्यू में कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, सीधा सीधे बात नहीं करूंगा। पर जैसे कि हमें पता है मूवी सबसे ज्यादा लोग देखने जा रहे हैं तापसी की वजह से, ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इससे आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो आई कैंडी बना रखा है, पिछली मूवी में भी इस मूवी में भी डबल आई कैंडी हो गया, अब तो हाँ वो ही बना रखा। और ठीक है, कैरेक्टर अच्छा है, एकदम लिखा है, लिखाई में थोड़ी कमियाँ निकाल सकते हो तुम, क्योंकि जो प्रेडिक्टेबल नेचर आ जाता है वही इसकी वो है वीक पॉइंट। कि अगर तुम्हें स्टोरी का तुम्हें समझ आ रहा है कि कहाँ पढ़ाव जाना आता तो फिर क्या ही मूवी बची। तो जैसे ही मूवी में जिमी शेरगिल की एंट्री दिखाई जाती है, मेरी होप्स बढ़ जाती है मूवी से, क्योंकि पता है तुम्हें जिमी शेरगिल का है, वो बंदा अच्छी एक्टिंग करता है और उसके कैरेक्टर में ठोस कुछ होगा तभी वो आया, नहीं तो वो कुछ और भी कर सकता है। और ऋषि का इस मूवी में चल रहा है मल्टीवर्स और रिश्तेदार, कोई जाता है कोई आ जाता है और फिर उनको भगाने में टाइम लग जाता है और फिर वो मिली के रह नहीं पाता रानी से, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, बट हो रहा है। और मूवी अगर तुम सिर्फ रोमांस के लिए देखने जा रहे हो तो मैं पहले बता दूं मूवी बहुत स्लो है अपने रोमांस में, बट बहुत फास्ट जाती है अपने थ्रिलर जॉनर में, क्योंकि टक 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 वो अपने आप को बिछाती जाती है कि ये प्लॉट है देखते जाओ, ठीक है। तो इस मूवी में वन से टू की आर्सिक साइड, इंतजार से डर नहीं लगता, मुलाकात से डर लगता। तो रानी इस मूवी में किसी और से भी आना चाह लेती है, तुम्हें पता है वो कैरेक्टर कौन होने वाला है, बट क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं मूव ऑन नहीं हो पाई इसलिए सिर्फ ये करा जाता। और इस पे मेरी दिल से एक लाइन आई थी कि दुश्मन मिले हजार, बीवी ना मिले छह। और जो साइकोनेस तुमने पहली मूवी में ऋषि का देखा था वो तुम्हें इस मूवी में नहीं देखने को मिलेगा। अगर तुम उसको लेके चल रहे हो कि वो मिलेगा तो सॉरी गाइस, यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड वेरी मच। तो इसमें वो बोलता है और इशारों से दिखाता है कि मैं बहुत भूखा हो गया, मैं दानव बन चुका हूँ, मैंने अपने भाई को मारा, मैंने लाश गिर दी, ऐसा कुछ बोलता है, बट जस्टिफाई नहीं करता वो अपने कैरेक्टर के साथ कि हाँ भाई मैं साइको हो जाऊँगा वापस नहीं। और जब अभिमन्यु के कैरेक्टर को पता चलता है कि ऋषि जिंदा है और वो जब कहता है कि मीटिंग फिक्स करो हमारी रानी से, और वो जब मीटिंग फिक्स होती है एक मेले के अंदर झूले पे, टेंस माहौल वही होता है जो मूवी का है, थोड़ा बहुत टेंस माहौल। उसके अलावा तुम अगर उसमें लॉजिक ढूंढने जाओगे तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि पुलिस वाले का लिटरली, बट मूवी में पुलिस वाले वैसे ही हैं जैसे मेरी जिंदगी में मेरी क्रश, समझ रहे हो, है बस। और फिर मूवी में आगे दिखाई जाती है साइको साइड ऑफ अभिमन्यु, और वहाँ मैं कहना चाहूँगा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ थ्रिलर। मतलब चीज़ें अगर बिल्कुल ही सिंपल हो जाए तो स्टोरी में थ्रिलर में मजा आता है, ये जो चीज़ें जो एक परत बाय परत उतरती है वो मुझे देती है, ठीक। तो जिमी शेरगिल का कैरेक्टर भी लाइक इन मूवी के कहना पड़ेगा, मैडम भी कमाल बा, मजनू भी कमाल बा, आओ मिलके मचाएं धमाल बा। बेसिकली वो बिहारी है, वो टिपिकली जस्टिफाई कर रहा होगा अपने कैरेक्टर कि हाँ थोड़ा है बिहारी बन और हम बोलते हैं बिहारी, तो थोड़ा वो होता ना कि लहजा टोरा आता है, थोड़ा लहजा निकलता है, यस दिस इज टोन वी ऑलवेज ऑन टू, बट इफ यू फक विद अस वी गोना हाई आवर पिच, वैसा। और जो मेंटल लैंग्वेज है वो तो समझ आई गई होती है, जैसे वो ब्रिज पे जो सीन चल रहा होता है उसमें जब वो अभिमन्यु जा रहा होता है कुछ करने, वो मैं स्पॉइल नहीं करने जाऊँगा, वो तो मुझे देखो तभी मैं बैठा। तो जब अभिमन्यु जा रहा होता है तो उससे पूछता है कि ये कौन है, तो ये कह रहा है ये वही है जो चक्रव्यूह भेद के अंदर गया हुआ है, जो माँ की कोख से इसी क्या हुआ है कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है। हाँ जरा रेफरेंस चल ले, पर ठीक है रेफरेंस के हिसाब से तो एक और कैरेक्टर है मूवी में जो दिखाया है, दिनेश पंडित। तो क्लाइमेक्स
तो जैसे मैंने कहा क्लाइमैक्स इज प्रेडिक्टेबल बट इट फील्स गुड, क्योंकि जो कि थ्रिलर जॉनर में है चीज़ें तुम्हें पता है, तुम प्रेडिक्ट कर लेते हो बहुत चीज़ें क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस टाइम वैसे ही सोच रहा होता है कि अगले स्टेप पे क्या होना, मतलब लाओ दिमाग पजल सॉल्व करते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम नहीं सोचते हो जो कि एंड पे इक्के की तरह फेंक दी जाती है। ये लास्ट वाला जो रिवील था बहुत हफ्ते तगड़ा था, वो तो मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था, तुमने भी नहीं किया होगा, और अगर तुम ये कह रहे हो कर लिया था तो तुम झूठे हो। तो मूवी में एक ही कैरेक्टर था जो साइको था, जिसका नाम है प्यार, जो कि हर किसी के बीच में था। चाचा भतीजे का प्यार ले लो, बीवी प्रेमी का प्यार ले लो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार ले लो, और अंट वंट प्यार ले लो। बस सबसे ज़्यादा प्यार चला पुलिस और चोर के बीच में, क्योंकि चोर पुलिस कभी एक साथ आए ही नहीं, और पुलिस ने कभी अपना काम किया ही नहीं ढंग से। तो हाँ, आज की मूवी का रिव्यू इतना था, और हाँ मूवी है कैश ग्रैब, खराब आई देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ थ्रिलर मूवी में अच्छा है, तुम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो वन टाइम वॉच से ज़्यादा हो सकती है मूवी तुम्हारे लिए। तो हाँ मैं यही कहना चाहूँगा, जाओ और देखो जाके मूवी, नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, मैं प्रमोशन भी कर रहा हूँ, तुम कहीं पर भी देखो, आई डोंट केयर, ठीक है। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दुरुस्त रहना, और आते रहना, कहाँ पर तुम्हें पता है हेल्थ अवॉइड इट्स पैक बेबी। हाँ आठवीं वीडियो हो चुकी है, नॉवल कर डालूंगा, हाँ स्टेटमेंट कल वाली मास्टर पीस मिल गई।